नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। सरकार के चार साल, 26 मई वो तारीख जब नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कुछ वादे किए थे, उम्मीदें जगाई थी और सपने दिखाए थे। मोदी सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं। इन चार साल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन 2019 के सबसे प्रबल दावेदार भी अभी तक वही हैं। इन चार साल में ऐसे कौन से काम किए हैं जिन्होंने देशवासियों को राहत दी है, उनका सिर सम्मान से ऊंचा हुआ है और ऐसी कितनी उम्मीदें हैं जो टूट गई हैं। अभी नरेंद्र मोदी सरकार के पास एक साल का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले बात होगी उनके चार साल के कार्यकाल पर। मोदी सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अच्छे दिन के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार नारा बदल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ ऐसी ही उम्मीदें जगाते हुए एक लहर उठी थी। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा देश इस लहर के प्रभाव में था, जिसका नतीजा बीजेपी की सबसे बड़ी जीत। लेकिन सरकार के चार साल पूरे होने के बाद एक सवाल देश के सामने है, क्या अच्छे दिन आए? बहरहाल मोदी सरकार के चार साल पूरे होते ही बीजेपी एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी मोड़ पर है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का प्रचार जनता के बीच शुरू हो चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उपलब्धियों की लिस्ट के साथ साथ एक नए स्लोगन के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने 2019 के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तमाम योजनाओं और उनसे मिले लोगों को फायदे के बारे में दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक नया स्लोगन इजाद किया है, साफ नीयत सही विकास। वीडियो के आखिर में कहा जाता है कि 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार। बताया जा रहा है कि पार्टी देश भर के संपादकों और रेडियो जॉकी से भी संपर्क साध रही है। 3 मिनट के वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सरकार की योजनाओं और फैसलों से लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है और कैसे लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। 2014 में प्रचलित बीजेपी के स्लोगन अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक नया स्लोगन दिया गया है, 2019 में फिर से मोदी सरकार। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के कटक जाएंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। ओडिशा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा में 21 सांसद देने वाले ओडिशा से बीजेपी के महज एक ही सांसद आते हैं। बीजेपी का मानना है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रदर्शन में वो सुधार कर लेगी। वहीं दिल्ली में बीजेपी के अमित शाह पर मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों को बताने की जिम्मेदारी होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया।
मोदी सरकार के तमाम मंत्री और नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जो विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका देते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 26 मई को प्रधानमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ये वो दिन था जब 125 करोड़ उम्मीदें एक साथ जागी थी और राजनीति की एक नई लहर सत्तासीन हुई थी। मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिना रहा है और विपक्ष कमियां उजागर कर रहा है। यही वजह है कि सरकार के 4 साल के जश्न के दिन ही कांग्रेस इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। बहरहाल मोदी सरकार ने भले ही कई सारे काम किए हों, योजनाओं की शुरुआत की हो, लेकिन उनकी नाकामियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार की उपलब्धियों में अगर एक से बढ़कर एक फैसले और योजनाएं हैं, तो उनकी नाकामियों की फेहरिस्त भी छोटी नहीं है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम से देश में हाहाकार मचा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल सबसे महंगा हुआ है, कीमतें 87 के पार निकल गई। तो इसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार ने यूपीए को जबरदस्त तरीके से घेरा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भारत में तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। क्या मोदी सरकार महंगाई कम कर पाई? यह सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। कश्मीर घाटी में अशांति। सत्ता में आने से पहले बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार थे कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान। इन दो मुद्दों में से एक कश्मीर घाटी में मोदी सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद पिछले लंबे समय से जारी अशांति और हिंसक माहौल अब तक जारी है। ये नाकामी और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन कर बीजेपी सरकार में आई थी। पाकिस्तान पर मोदी सरकार का स्टैंड। 2014 से पहले पीएम मोदी ने हर चुनावी भाषण में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की थी, लेकिन ताजा हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो सीज फायर उल्लंघन के मामले में कोई कमी नहीं आई। सेना के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं और सीज फायर के उल्लंघन में आम नागरिक भी हताहत हो रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने मंसूबों को जाहिर किया, लेकिन बावजूद इसके ठोस रणनीति का अभाव साफ नजर आया। काले धन पर सरकार फेल। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले करीब हर भाषण में पीएम मोदी ने काले धन का जिक्र किया था। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के वादे किए गए। हर खाते में 15-15 लाख का जुमला भी फेंका गया, लेकिन आज तक लोगों को विदेशों से आने वाले काले धन और अपने खाते में 15 लाख का इंतजार है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बैकफुट पर। मोदी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मगर रोजगार सृजन के मामले में मोदी सरकार औंधे मुंह गिर गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब मोदी सरकार फंसी तो पकोड़े बेचने को भी रोजगार की श्रेणी में ले आई और अपनी उपलब्धि बताने लगी। सच तो यह है कि रोजगार के सृजन का वादा मोदी सरकार निभा ही नहीं पाई। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले का परिणाम सिफर रहा। न तो काला धन खत्म हुआ और न ही भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। नोटबंदी की विफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि मार्केट में मौजूद पुराने नोट तकरीबन 99% वापस आ गए। अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का क्या असर हुआ, अब भी ये सवाल बना हुआ है। भगवान भरोसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने काफी उत्सुकता के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया। लक्ष्य 5 साल का रखा गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के डेटा की माने तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी धीमी गति से काम हुआ है।
आदर्श ग्राम योजना फेल। आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसदों के द्वारा 5 गांवों को गोद लेने की व्यवस्था है, जिसमें 2016 तक प्रत्येक सांसद एक एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में 2019 तक 2 और गांवों का विकास होगा। लेकिन मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन एक भी आदर्श गांव कसौटी पर खरा नहीं उतरा। नेपाल से रिश्ते खराब। मधेशियों के मुद्दे पर भारत के नेपाल के साथ रिश्ते काफी तल्ख हो गए, जब नेपाल के नए संविधान में मधेशियों ने प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आंदोलन किया तो उस वक्त भारत ने भी उनका साथ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल सरकार से भारत के रिश्ते खराब होते चले गए। मधेशी आंदोलन के समय भारत ने पेट्रोल, दवा और अन्य सामानों की आपूर्ति को भी रोक दिया था, जिसके बाद चीन को नेपाल में पैर फैलाने का पूरा मौका मिला। नेपाल को उस वक्त न सिर्फ चीन ने सामानों से मदद की बल्कि सहानुभूति भी जताई, तभी से नेपाल का चीन के प्रति सॉफ्ट रवैया दिखने लगा। देश की आंतरिक सुरक्षा भी नहीं सुधरी। मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी काफी कमजोर साबित हुई। ये बात अलग है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले काफी ऊंचे स्वर में कहा था कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद नक्सलियों का सफाया कर देगी, नक्सलवाद का खात्मा कर देगी, मगर छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में समय समय पर जिस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं उसने मोदी सरकार की विफलता को उजागर कर दिया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के वादे 4 साल के बाद भी हकीकत की जमीन पर अफसाने ही नजर आते हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने को है, लेकिन 1 साल बाकी है। 1 साल में मोदी सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे ये दो आर्थिक मोर्चे थे जिन पर सरकार फेल होती ही नजर आ रही है। हालांकि अगर कैग रिपोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की योजना की अगर बात की जाए, नमामि गंगे की बात की जाए, तो वो राम भरोसे ही है। यानी कि नमामि गंगे जो योजना है वो भगवान भरोसे चल रही है, धीमी गति से चल रही है। किसान लगातार नाराज है सरकार से, अल्पसंख्यकों की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, दलितों के घर पर खाना खाने के मामले देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से दलित नाराज हैं। विपक्ष को मौका मिल गया है, महंगाई का मुद्दा लगातार उठ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष और जनता हंगामा कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत बधाई हो। 4 साल पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार को भी और पूरी भारतीय जनता को। जी सर, सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का सपना दिखाया था, वादा किया था, लेकिन 4 साल में लगातार सरकार की नारे क्यों बदल रहे हैं? क्या सरकार को लगने लगा है कि अच्छे दिन के नारे के बदौलत एक बार फिर से 2019 में सरकार नहीं बनाई जा सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छे दिन तो आए हैं, ये लोगों को मानना पड़ेगा। सर किसके अच्छे दिन आए हैं? देखिए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कम हुई है या आम जनता के? नहीं, आम जनता, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीजनल होती है। जब पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो उस वक्त उनको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये पिछली सरकार ने ही की थी कि जो मार्केट ड्रिवन रेट्स होंगे। पहले जो था सरकार कंट्रोल करती थी रेट्स, अब सरकार कंट्रोल नहीं करती है रेट्स, दीज आर मार्केट ड्रिवन रेट्स। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी सेंसिटिव है कि जब उनको पता लगा कि लोगों को मुश्किल हो रही है तो उन्होंने बोला कि आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर कैसी घोषणा की जाएगी जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन सर आप देख रहे हो ना कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि 2-3 दिन में देख लेंगे भाई, दाम कम कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना, ये जो दाम है ये कोई हमने नहीं बढ़ाए हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में दाम जो है वो
आकाश को छू रहे हैं जी। और पिछली सरकार ने ही जो पॉलिसी बनाई थी कि पेट्रोल के दाम जो है वो मार्केट ड्रिवन होंगे, इससे पहले सरकारें तय करती थी पेट्रोल का रेट, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये किया कि इसको मार्केट ड्रिवन कर दिया। जब मार्केट ड्रिवन है तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट होगा वैसे ही रेट इंडियन मार्केट में भी होगा। लेकिन जैसा कहा गया है कि सरकार इससे बहुत चिंतित है और सरकार जल्द ही इसके बारे में कोई कानून बनाने वाली है जी। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में प्रीत प्रार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भूतपूर्व महासचिव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हैं, अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मैडम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हो रहा है जब मोदी सरकार चार साल के जश्न मना रही है? तो कांग्रेस को क्या अपनी कहा दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस सरकार को दर्द नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की आवाम को दर्द हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लोगों को दर्द हो रहा है। वो इस बात का दर्द हो रहा है क्योंकि जो मोदी जी ने और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे करे थे अच्छे दिनों के, वो अच्छे दिन तो नहीं आए। हिंदुस्तान की जनता अब चाहती है कि हमारे बुरे दिन लौटा दो। वो बात इसलिए है क्योंकि अगर ये औरतों की बात पे आते हैं तो इनके पास कुछ उत्तर देने लायक नहीं है, अगर किसानों की बात पूछी जाती है तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है, हिंदुस्तान की जो लोग हैं अगर वो एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं तो इनके पास कोई फिगर्स नहीं है, इनके मंत्री उसी में उलझ के रह जाते हैं। और हिंदुस्तान की जनता अपने बैंकों में रोज चेक करती है कि 15 लाख का चले हैं तो वो नहीं है। और कभी हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है मोदी सरकार से। वही हमारा तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में राजनीतिक शास्त्र प्रोफेसर जगरूप देखो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। जीएसटी हो या फिर नोटबंदी हो, सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए इन चार सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन दोनों मुद्दों पर फेल हो गई, ऐसी वजह क्यों आई? देखिए, अगर हम दोनों मुद्दों की बात करें, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो जीएसटी हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है वो तो एक बहुत ही अच्छी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म है जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा फायदा देगी, लेकिन शॉर्टर पीरियड में थोड़े उसके ऐसा इम्पैक्ट है कि जो स्मॉल बिजनेस है अभी अच्छे से उसको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन आशा भी है कि आने वाले टाइम में जीएसटी के अच्छे परिणाम आएंगे। एक्सपोर्टर्स को लेके कुछ चिंताएं हैं कि उनके रिफंड को लेके कुछ ऐसी चिंता बनी थी कि वो उनको रिफंड नहीं मिल रहे थे, तो लेकिन अभी धीरे धीरे तो सब चीजें हैं वो सरल होती जा रही हैं, आने वाले टाइम में इसका अच्छा फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डिमोनेटाइजेशन के जो रिजल्ट हैं अभी भी कंफ्यूजिंग है। अभी डिमोनेटाइजेशन का कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर हुआ हो वो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखा है। डिमोनेटाइजेशन वाकई ये 2019 में सरकार को नोटबंदी और जीएसटी का नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी इस जंक्शन पे ये बोलना कि नुकसान हो सकता है या नहीं होगा ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते जी। लेकिन जीएसटी के जो परिणाम है वो भले ही बहुत अच्छे सिद्ध होंगे सरकार के लिए जी। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो कंफ्यूजिंग ही रहा है, उसका कोई खास इम्पैक्ट को इकोनॉमी को पॉजिटिव डायरेक्टरी में उस डायरेक्शन में हमें नहीं दिखा है। लेकिन ये डायरेक्शन में तो इस वक्त हमारे साथ मैं जगरूप सेको जी के पास जाना चाहूंगी। सर, अगर काले धन की बात की जाए तो सरकार फेल हो गई, अगर बात की जाए रोजगार के मुद्दे पे तो सरकार बैकफुट पर है, नमामि गंगे की बात की जाए तो ये योजना भगवान भरोसे चल रही है, आदर्श ग्राम योजना सरकार फेल नजर आ रही है, ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार कहीं ना कहीं से फेल नजर आ रही है, नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में 2019 की रणनीति कैसे तैयार करेगी सरकार? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हु आर द एक्टर्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कांग्रेस कौन है उसको हैंडल कर रहा है, इतना बड़ा लैंड ऑर्डर का इशू है, हु इज हैंडलिंग द लैंड ऑर्डर इशू, इतनी बड़ी किसानी है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। अब ये सुन रहा था जो मेरे भाई इकोनॉमिस्ट साहब बता रहे थे बात, कभी देहात में जाके देखिए कि उनको पूछिए कि जीएसटी का किस भाव में चल रहा है, डिमोनेटाइजेशन किस भाव में चल रही है। अब क्लियरली आइडेंटिफाइड हो गया इंडिया और भारत की बात हो रही है,
जितनी भी सारी नटंकी हुई है पिछले समय में, पहले वाली सरकारें भी करती थी, पर जो जो पिछले समय में जिस किस्म का नारेबाजी है, जिस किस्म की नटंकीबाजी है, जिस किस्म के लोगों के वादे हैं, जुमले हैं, जहाँ एक ठीक है पॉलिटिकली हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, फॉर द लास्ट 70 ईयर्स 16 इलेक्शन लोगों ने पार्लियामेंट की झेली है, 15-14 हर स्टेट की झेली है, उसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अवेयर बना दिया। दूसरा ये है कि जितना भी स्कीमें हैं, जितना भी एजेंडा है, पहली सरकारों के बीच में थे वो कहते थे 15 पैसे पहुंचते हैं, अब 15 पैसे के 20 पैसे पहुंचते होंगे तो वो बात दूसरी है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेरर है, किसी से भी जाके बात की कर लीजिए, हर आदमी किसान से बात कर लीजिए, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट हुआ, जीडीपी का एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या संबंध है, किसानों का क्या हाल हो रहा है, दे आर कमिटिंग सुसाइड, ये पहले भी कर रहे थे, ये सुसाइड बड़ा है। इन्होंने इनकम की बात करते हैं, इनकम कैसे बढ़ाएंगे, अभी भी किसानों को, गन्ने वालों को पैसे नहीं मिल रहे, धान वालों को नहीं मिल रहे, गेहूं वालों को नहीं मिल रहा, चने वालों को नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, 2-10% लोग होंगे या 20%, उसमें शायद मैं भी आता हूंगा कि जिनकी दुनिया अलग है, हमको सब चीज अच्छी लगती है, इनके हरे लगा ले तो लगता है कि ग्रीन ग्रीन सबको दिखाई देता है कि जीएसटी आगे जाके ठीक करेगा, डीमोनेटाइजेशन आगे जाके ठीक करेगा, लोग आम जो बड़ी गिनती में लोग हैं उनके बारे में किसको चिंता है। अब आपने ऑयल की बात की थी, ठीक है, हम वो बात भी जानते हैं, पुरानी सरकार ने तो ये कर दिया, अब कौन सा सरकार इनको मना कर रही है, अभी सरकार अपने तौर पर अभी रेगुलेशन कर दी, 19 दिन 20 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी बिकॉज द कर्नाटका इलेक्शन वर देयर, हर चीज पॉलिटिकल बेनिफिट को सामने रख के किया जा रहा है देश में। और मैं तो ये कहता हूं कि देश को धकेल रहे हैं हम आस्ते आस्ते, मेरे को ये लगता है कि ऐसी लॉलेसनेस की तरफ, ऐसी सिविल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, जहां भाई भाई को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, इंसिक्योरिटी एवरीवेयर हर जगह प्रवेल करती है, रात को आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मैं पंजाब की बात भी कर रहा हूँ, गैंगस्टरिज्म पैदा हो रहा है, कहीं वायलेंस पैदा हो रही है, कहीं कास्ट हो रहा है, और माहौल सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से कहा जाता है कि माहौल सुरक्षित नहीं है। मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगी। अनिल जी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक नाराज है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, दलितों में गुस्सा है, वजह क्या है, क्यों सरकार इन्हें मना नहीं पा रही है? अनिल जी, तो शायद उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। मैं प्रीत के पास जाना चाहूंगी। मैडम, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार दलित परेशान हो रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति है, जश्न मनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी, यही बात मैं पहले यही बोल रही थी कि आपने जब मुझे प्रश्न पूछा था कि हम लोग चिंतित क्यों हैं, मैं यही बोल रही थी कि पूरा है, हमारी आवाम हिंदुस्तान चिंतित है, क्योंकि किसी भी मुद्दे को उठा करके ले लिया जाए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट का ले लिया जाए, 15 लाख को ले लिया जाए, किसानों का, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, अभी मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, मेरे से पहले बीजेपी के वक्ता बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी अच्छी सी बात कर रहे थे, और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर अच्छे दिन किसके लिए लाना चाहते थे तो वो किसानों को ही लेके आ सकते थे, क्योंकि अगर 12 बिजनेसमैन उद्योगपतियों का 2.5 लाख करोड़ वहां पे कर्ज माफ हो सकता है, तो 65,000 जो कि हमारे किसानों, 65,000 करोड़ हमारे किसानों का जो मुद्दा है, वो सॉरी कर्जा था, वो क्यों नहीं माफ हो सकता, तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता? बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे पूरी तरह से 100% ये बीजेपी गवर्नमेंट फेल हुई है, और इनके पास एक भी बात, एक भी ऐसी चीज बताने के लायक नहीं है। लेकिन यस, अच्छे दिन आए हैं, किनके लिए आए? प्रधानमंत्री जी के लिए आए हैं, पूरे वर्ल्ड टूर पे घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे के लिए आए हैं, और उसके बाद बीजेपी के लीडर्स के लिए आए हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इस पॉइंट पे खड़ा कर दिया है, पूरी जनता को सपना तो दिखा दिया अच्छे दिन का, लेकिन अच्छे दिन सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के आए, यानी कि बीजेपी पार्टी के आए, आपके हिसाब से? सॉरी, तो आपके हिसाब से यानी कि राजनीतिक पार्टियों के अच्छे दिन आए हैं, बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं, मेरा जवाब यह है।
जी बिल्कुल यही बात मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे दिन आए हैं, वो टूर पे जा रहे हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पे चाय पी के आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे जवान वहां पे शहीद हो रहे हैं और चाइना हमारा तो लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लेकिन सरकार सोई हुई है। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल उठ रहा है, आखिर सरकार चार साल का जश्न तो मना रही है लेकिन ऐसे जश्न का क्या फायदा, क्योंकि कश्मीर घाटी में अशांति बनी हुई है। अगर बात की जाए नमामि गंगे योजना की, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन उस पर भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धीमी गति से विकास कार्य बढ़ रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार नए नारे के साथ क्या जनता का विश्वास एक बार फिर से जीत सकती है, क्योंकि अच्छे दिन के सपने दिखाकर वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली थी लेकिन 2019 में क्या ये सत्ता दोबारा से हासिल हो सकती है। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज इतना ही, मेरे साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।